अजय देवगन के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वह बहुत जल्द पुलिस की वर्दी में एक बार फिर से सबको एंटरटेन करने आ रहे हैं। खबरों की माने तो बहुत जल्द रोहित शेट्टी सिंघम 3 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे और हमेशा की तरह अजय देवगन ही लीड रोल में नजर आएंगे और इस बात का ऐलान खुद रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। रोहित शेट्टी ने इंटरव्यू में बताया कि मैं सिंघम के अगले चैप्टर पर फोकस कर रहा हूँ। अगले साल अप्रैल के महीने में हम शूटिंग शुरू करेंगे। पहले सर्कस रिलीज होगी, इसके बाद उस पर काम करेंगे। सिंघम जो है वह सिम्बा और सूर्यवंशी की टेक्निकल पार्ट होंगे। अजय के साथ काम किए हुए एक अरसा हो गया है। इससे पहले सिंघम साल 2014 में रिलीज हुई थी। आज भी लोग इसे टीवी पर बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देखना पसंद करते हैं। समय बदल गया है और इस बार फिल्म को लेकर चीजें बड़ी होने वाली है। मैं बहुत समय से अजय के साथ कुछ बड़ा करने का सोच रहा था। रोहित शेट्टी का मानना है कि सिंघम की स्क्रिप्टिंग में लगभग 1 साल लग ही जाएगा, इसलिए वह अपनी अगली फिल्म के लिए इसके बाद ही सोचेंगे। फिल्म की शूटिंग भी वह अगले साल अप्रैल के महीने से शुरू करेंगे। इससे पहले वो सर्कस मूवी की शूटिंग खत्म करेंगे। वहीं हम अजय देवगन और रोहित शेट्टी की वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन थैंक गॉड और मैदान जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं और वहीं दूसरी तरफ रोहित शेट्टी अभी अपने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की शूटिंग में बिजी है। अब आप सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ किस एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की सभी अपटूडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।